नमस्कार दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं बालों के गिरने के विषय में। बाल टूट जाते हैं, बाल गिर जाते हैं, और कुछ लोगों के बाल इस तरीके से गिरते हैं कि एक बार गिर जाते हैं दोबारा उगते नहीं, और धीरे 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 करके आदमी गंजा हो जाता है। कुछ लोग बाल गिरते हैं तो मतलब बाल गिरते रहते हैं और फिर भी बचे रहते हैं, मतलब घनापन कम होता रहता है, हल्का होता रहता है लेकिन बचा रहता है। और कुछ लोगों का तो एकदम गायब होता चला जाता है, एकदम कितने निकलेने हो जाते हैं। तो आज हम दोनों तरीके की बीमारी में क्या उसी कैसी कंडीशन में कौन सी दवा लेनी है तो हम बताने जा रहे हैं, उसको आप नोट करें। तो एलोपेशिया, गंजापन, बेल्डनेस या हेयर फॉलिंग ऑफ, बाल गिरने की दवा हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली दवा हम आपको बता रहे हैं थूजा, बाल का गिरना, खुश्क सफ़ेद पपड़ीदार रूसी के साथ अथवा रूसी के कारण, यानी कि बाल की जड़ में पपड़ी बनती है डैंड्रफ की और उसको उखड़ती है, उसके साथ बाल उखड़ जाता है। तो ये लक्षण है थूजा के। तो थूजा दवा अरसे तक लेनी चाहिए। बाल के मामलों में 2-4-6 दिन में आराम नहीं मिलना है। कोई भी दवा 20-25 दिन ट्राई करें, और जब लाभ दिखे तो और उसको अधिक समय तक करें, जब लाभ ना दिखे तो दवा चेंज करें। इसके बाद दूसरी दवा हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रेफाइटिस और एनान्थेरम, दाढ़ी के बालों का गिरना तथा भौं के बालों का गिरना, यानी दाढ़ी और भौं के बाल गिर रहे हैं, यानी कि बदसूरती पर जा रहा है आदमी, उस समय उसकी स्थिति बड़ी ख़राब है। तो ऐसी अवस्था में ग्रेफाइटिस और एनान्थेरम दवा जो है 10-10, 15-15 मिनट के अंतर से सुबह दोपहर शाम इसको लगातार। तीसरी दवा हम आपको बता रहे हैं स्फिंगर्स, बालों का गिरना खास करके दाढ़ी व मोछों के, दाढ़ी और मोछों के बालों का गिरना, तो ये दवा ली जाएगी। उसके बाद अगली दवा है एस्टिलागो यम, आतशक के कारण गंजापन, बाल गिरते हैं लेकिन फिर उगते नहीं है। देखिए यहाँ पर कंडीशन आ गई, बाल गिरते हैं लेकिन उगते नहीं है वहाँ पर, तो वो तो गंजा हो जाएगा पूरा। तो वहाँ पर ये दवा दी जाएगी एस्टिलागो, यूस्टिलागो USTILAGO एस्टिलागो M, आतशक के कारण गंजापन, बाल गिरते हैं लेकिन फिर उगते नहीं है। इस दवा को याद रखें, और ये दवा गंजे होने से पहले इस दवा का लंबे समय तक सेवन कर लें। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं विस्बैडन दवा, इस दवा को इस्तेमाल करने से बाल तेजी से उगने लगेंगे और काले रंग के हो जाएंगे। तो इसका 200 डॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, इसको हफ्ते में एक बार 200 डॉल्यूशन में ले लेना चाहिए, विस्बैडन 200, और जिसको ये काम करेगी तो तेज़ी से काम करेगी। तो सभी को जो बाल के पेशेंट हैं इसको जो है महीना 2 महीना ले लेना चाहिए, हफ्ते में एक पूरा विस्बैडन 200, इससे नए बाल भी उगते हैं और काले बाल उगते हैं। ये पुरानी जड़ों में भी बाल पैदा कर देती है और उससे नए बाल भी उगते हैं और काले बाल उगते हैं, विस्बैडन 200। इसके बाद है फास्फोरस और कैल्केरिया फास, ये दो दवा एक साथ चलती है, तब बालों के गुच्छे गिरना जिससे सिर में यहाँ यहाँ खाली चकत्ते रह जाते हैं, तो दिए गए क्रम में इस दवा को देना रहता है, जिसे जगह जगह से गुच्छा गुच्छा गिर जाते हैं और अलग अलग टापू ऐसे बन जाते हैं सर में, तो इसी कंडीशन में ये दवा दी जाती है फास्फोरस और कैल्केरिया फास। इस दवा को उस बीमारी में यूज़ करना है, आपने देखा होगा अक्सर लोग हो जाता है तो ये दवा वहाँ पर काम आती है। अगली दवा हम आपको बताने जा रहे हैं एसिड फॉस, सिर के बालों का गिरना खास करके भौं के, पलकों के तथा जननेंद्रियों के आसपास के, और शोक के कारण बालों का गिरना, तो एसिड फॉस दवा दी जाती है। इसके बाद है सेलेनियम, सारे सिर में से बालों का गिरना जिससे चांद एकदम गंजी व चिकनी हो जाती है, भौं के बाल भी गिर जाते हैं तथा चेहरा अजीब सा हो जाता है, तो सेलेनियम 30 दवा कुछ समय तक लगातार लेनी चाहिए। इसके बाद है एलुमिना, सिर से अत्यधिक बालों का गिरना, सिर के कई हिस्से पूरी तरह गंजे हो जाते हैं, सारे शरीर से बालों का गिरना पलकों समेत, तो एलुमिना दवा ली जाएगी। एलुमिना ही वहाँ पर 30% में यूज की जाएगी। उसके बाद है एसिड फ्लोर, बालों का गिरना आतशक के कारण,
बाल खुश्क होते हैं, वह आपस में गुथ जाते हैं, वे बीच से चिटक जाते हैं, वह टूट जाते हैं, बाल गुच्छों में उलझ जाते हैं तथा उनकी चमक निकल जाती है। तो दोस्तों एसिड फ्लोर दवा कुछ दिन तक ले लेनी चाहिए। उसके बाद है नेट्रम म्यूट, गर्भावस्था के दौरान बालों का गिरना, क्रॉनिक सिरदर्द के बाद बालों का गिरना, तो नेट्रम म्यूट दवा से ठीक होगा। अगली दवा है लेकेसिस, गर्भावस्था के कारण बालों का गिरना, तो लेकेसिस दवा। उसके बाद है बोरेक्स, बाल खुरदरे तथा नुकीले जिन्हें कंघी करके चिकना नहीं किया जा सकता, बालों के सिरे आपस में उलझ जाते हैं तथा ये आपस में चिपक जाते हैं, यदि इन गुच्छों को काट कर फेंक दिया जाए तो पुनः गुच्छे बन जाते हैं, तो बोरेक्स दवा लेनी चाहिए। इसके बाद है पल्साटीला, ऐसा लगना कि मानो आँख में बाल पड़ा है, तो पल्साटीला दवा ली जाती है। ऐसा लगे कि आँख में बाल फंसा है, ऐसा हो जाता है, तो पल्साटीला दवा ली जाती है। इसके बाद है नाइट्रिक एसिड, बालों का भारी मात्रा में गिरना, खास करके चांद से इरप्शंस के साथ या आदसक के कारण नर्वस, सिर दर्द, कमजोरी व क्षीणता के कारण हो सकता है, कपाल संवेदनशील, तो नाइट्रिक एसिड दवा दी जाएगी। इसके बाद है विनका माइनर, सिर में गंजे चकते त्वचा में खुश्की के साथ नमी का रिसना, बालों का आपस में गुथ जाना, खुजलाने की न रुक सकने वाली इच्छा, तो विनका माइनर दवा दी जाती है। इसके बाद है अमोनियम म्यूर, बालों का गिरना रूसी के साथ, तो अमोनियम म्यूर देनी चाहिए। इसके बाद है मैंसिनेला, बालों का गिरना कठिन तीव्र बीमारियों के बाद, तो मैंसिनेला दवा दी जाती है। इसके बाद है काली कार्ब, घों से बालों का गिरना, तो काली कार्ब दवा दी जाएगी। फिर है रस्टॉक्स, पलकों के बालों का गिरना, तो रस्टॉक्स दवा दी जाएगी। इसके बाद है मर्क्यूरियस, आतसक के कारण बालों का गिरना, तो ये दवा दी जाएगी। सल्फर, अत्यंत अव्यवस्थित, गंदे, कड़े व चमकहीन, हर दिशा में उगने वाले बालों के लिए सल्फर 30 दी जाएगी। उसके बाद है मेडोरिनम, बालों का गिरना, सिर में खुजली के साथ समुद्र के किनारे बेहतर, तो मेडोरिनम दवा दी जानी चाहिए। और अंतिम दवा हम बता रहे हैं सीपिया, बालों का गिरना रजो निवृत्ति तथा गर्भावस्था के कारण, सिर दर्द के कारण बालों का गिरना, संभोग करने की कोई इच्छा नहीं, बालों का गिरना, तो इन लक्षणों में सीपिया दवा दी जाती है। तो दोस्तों ये दवा हमने आपको बता दी है, और इन्हीं दवाओं से आप अपने बालों का गिरना रोक सकते हैं, अपने गंजेपन को रोक सकते हैं, अपने यहाँ को गंजा होने से बचाने से रोक सकते हैं। इसी में से आपको इलाज करना है। एक और हम आपको जर्मनी का बता दे रहे हैं, R89 आता है डॉक्टर रिक्वेक का, लिपोकल नाम है उसका, आप अपनी चुनी हुई दवाएं इसमें से भी कर सकते हैं, और 1-2-3 CC रिक्वेक की R89 लिपोकल भी पी लीजिए, और लिपोकल पीजिए 15-15 बूंद दिन में 3-4 दिन तक, उसके बाद 10-10 बूंद कर दीजिए, और थोड़ा सा हाथ में लेकर के उसको लगाइए भी गंजे हिस्से में, जो आपका बाल टूटा हुआ हिस्सा है उसको लगा लेना चाहिए, 3-4 CC उसको पी लेना चाहिए। R89 लिपोकल, मैं उसका नाम लिख दूंगा और बाकी दवाइयों का नाम भी लिख दूंगा, तो इसमें से आप अपनी दवाइयाँ चुन करके लंबे अरसे तक खा लें, और लिपोकल भी 1-2 CC 3 CC पी लें, निश्चित रूप से आपको कोई गंजा नहीं कर पाएगा, और आप इससे ध्यान नहीं देंगे, उसको उसकी सुरक्षा का प्रबंध नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आप गंजे हो जाएंगे, अगर आपको गंजेपन की बीमारी हो रही है। तो अपने गंजेपन को रोकने के लिए इन्हीं दवाओं का प्रयोग करना है दोस्तों। मेरी शुभकामनाएँ हैं कि कोई भाई गंजा ना हो, किसी कमी ना हो, बाल भरा ना, खूबसूरती बनी रहे, और मैं कोशिश करूँगा किसी का बाल ना गिरे, जो मुझसे पूछेगा तो मैं यही दवाई बताऊँगा, दवा सब मैं यही से बताऊँगा, और इन्हीं दवाओं से ठीक होना है। तो शुभकामनाओं से हम मिलते हैं अगले।